हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर विवेक तिवारी फ्रॉम गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज बिलासपुर। वी आर लर्निंग विजुअल बेसिक डॉट नेट। इन माई लास्ट क्लास वी जस्ट हैव बीन स्टडीड अबाउट हाउ टू यूज़ अ विजुअल स्टूडियो 2000 IDE फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ VB.NET प्रोग्राम। सो लेट स्टार्ट द कॉन्सेप्ट, वॉट इज विंडोज एप्लीकेशन। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द फंडामेंटल concept of Windows applications, what is window application, what are Windows forms, and what are the different controls available in Windows application, and properties, methods, and events associated with each and every control. We will learn in this chapter. So let's start the concept. The first thing that we have to understand about this concept is that what is Windows application. So basically, Windows application is called desktop or GUI application. We have seen many Windows application in our Windows operating system like calculator, MS Paint, and Microsoft Word, Microsoft Excel. These all are Windows application. And with these applications, the development of this application supports rapid application development by Visual Studio .NET. So the fundamental control of Windows application is Windows Forms, and we have to place many forms and other controls to create a project. So Windows application is an application which is best suited for standalone application. हम जैसे बहुत सारे application use किया हुआ है, हमने पहले भी standalone application जिसको हम अपने system में install कर सकते हैं उसको हम use कर सकते हैं. VS Visual Studio जो IDE है program development के लिए, वो rapid application development environment provide करता है जिससे आप easily अपने Windows application को create कर सकते हैं. विंडोज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल होता है वो होता है फॉर्म, और इस फॉर्म में ही हम दूसरे कंट्रोल को प्लेस कर सकते हैं. तो हम पहले देखें कि विंडोज फॉर्म क्या होता है. तो बेसिकली फॉर्म इज अ कंटेनर फॉर ऑल द कंट्रोल दैट मेक अप द यूजर इंटरफेस. जो भी यूजर इंटरफेस आप देखते हैं वो फॉर्म के थ्रू ही आप देख पाते हैं, फॉर्म के थ्रू आप डिजाइन कर पाते हैं. मतलब हमको एक फॉर्म लेना होता है, उसके अंदर हम बहुत सारे कंट्रोल को प्लेस करते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए आप कैलकुलेटर को ही समझ लीजिए, कैलकुलेटर को एक विंडो समझिए. विंडो में एक टेक्स्ट बॉक्स है और बहुत सारे बटन्स हैं. बेसिकली कैलकुलेटर एक फॉर्म है जिसके अंदर हमने बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे कंट्रोल को इंसर्ट किया हुआ है, उसमें उसको प्रोग्राम किया हुआ है. इसीलिए फॉर्म को हम यूनिवर्सल कंट्रोल भी कहते हैं. ये VB.NET में फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है. हम इसको देखेंगे जब हम विजुअल स्टूडियो से आपको मैं जब आपको फॉर्म बनाना सिखाऊंगा तो हम इस चीज़ को देख पाएंगे. ये इस तरीके से फॉर्म होता है. यहाँ पे फॉर्म का नाम लिखा हुआ है, डिज़ाइन मोड में फॉर्म ओपन किया हुआ है. मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है, इसको क्लोज करने का बटन है. आप चाहें तो फॉर्म को रीसाइज कर सकते हैं, जितने साइज का आप चाहिए उसके उतने साइज का आप कर सकते हैं. ये जो स्पेस जो दिख रहा है आपको, इस स्पेस में आपको बहुत सारे कंट्रोल को प्लेस करना होता है, उसके हिसाब से आपको फॉर्म को डिज़ाइन करना होता है. तो ये बेसिकली फॉर्म कैसे दिखता है ये मैंने इसके थ्रू आपको बताया है. अब बेसिकली हम फॉर्म को देखें तो फॉर्म कंटेंस अ सेट ऑफ कंट्रोल एंड इच कंट्रोल कंटेंस अ प्रॉपर्टीज, मैथड्स एंड इवेंट्स. बेसिकली विंडोज एप्लीकेशन में कलेक्शन ऑफ फॉर्म होते हैं, और हर फॉर्म में कलेक्शन ऑफ कंट्रोल होंगे, और सारे कंट्रोल के साथ उस कंट्रोल की प्रॉपर्टी, उस कंट्रोल के मेथड्स और उस कंट्रोल के इवेंट्स एसोसिएट होते हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रॉपर्टीज, मेथड, इवेंट्स होते क्या हैं. कंट्रोल मतलब वो सारे टूल्स जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हो. जैसा कि मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, लेबल हो गया, लिस्ट बॉक्स हो गया, इमेज बॉक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपने विंडोज एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं. और हर कंट्रोल के साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हर कंट्रोल के साथ उसके कुछ इवेंट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं. इसको हम आगे की इस लेक्चर में हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज. बेसिकली प्रॉपर्टीज आर यूज टू चेंज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कंट्रोल, लाइक फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, हाइट, वेट, कैप्शंस. इट्स There are many properties associated with a single control. Basically, control को हम कैसा appear कराना चाहते हैं form में, वो उसकी सारी properties को explain करने के लिए, उसके सारी property को decide करने के लिए properties होते हैं. जैसे कि हम किसी particular properties के बारे में बात करें, मान लीजिए हम एक form control place करते हैं. Form control की कौन कौन सी property हो सकती है? Form का name हो सकता है, text हो सकता है, back color हो सकता है, background image हो सकता है, form का control box हो सकता है, इस MDI container एक अलग control है, properties है, sorry, language एक property है, लोकलाइजेबल एक प्रॉपर्टी है, विंडो स्टेट एक प्रॉपर्टी है. इस तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टी, बहुत सारे
कंट्रोल के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें इवेंट्स की बात करें तो बेसिकली इवेंट्स होता है एक्शन जो यूज़र परफॉर्म करता है। इवेंट्स कैसा हो सकता है, जैसे क्लिक इवेंट, जैसे हम किसी भी टूल बॉक्स पे, किसी भी टूल्स पे हम क्लिक करते हैं, उस पर डबल क्लिक करते हैं, की प्रेस करते हैं, तो कुछ ना कुछ इवेंट फायर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम माउस का कर्सर स्क्रीन पे हम घुमा रहे हैं, हम कहीं पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा इवेंट फायर होता है, राइट क्लिक करते हैं तो दूसरा इवेंट फायर होता है। इस तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट के साथ कुछ इवेंट एसोसिएटेड होते हैं। और ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब यूज़र कोई परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल, आपका एप्लीकेशन लोड हो रहा है। एप्लीकेशन लोड होता है मतलब सबसे पहले फॉर्म एग्जीक्यूट करेगा। जब फॉर्म एग्जीक्यूट करेगा तो पहला इवेंट क्या कॉल होगा, फॉर्म लोड इवेंट। जैसे ही फॉर्म आया आपकी स्क्रीन पे, फॉर्म लोड इवेंट फायर हुआ। फिर आपने फॉर्म पे कहीं पे भी क्लिक किया, उसका मतलब क्या है, आपने फॉर्म के क्लिक इवेंट को फायर किया। फिर आपने फॉर्म को क्लोज किया, मतलब आपने फॉर्म क्लोज इवेंट को फायर किया है। तो इस तरीके से कंडीशन बेस्ड एक्शन रहेंगे कि आपके एक्शन के अगेंस्ट कुछ इवेंट्स, स्पेसिफिक इवेंट्स हैं, उस इवेंट्स पे हम सेट ऑफ कोड्स लिख सकते हैं कि वो तब एग्जीक्यूट करेंगे जब वो इवेंट फायर होता है। मतलब अगर हमने फॉर्म लोड पे कुछ कंटेंट, कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, वो तब कब फायर होगा, जब फॉर्म लोड होगा तब वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हम आगे जब हम विंडोज एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा तब हम इस चीज़ को फिर से एक बार देखेंगे। उसी तरीके से होता है मेथड्स। मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं, प्रोसीजर हो सकता है या फंक्शन हो सकता है, और हर कंट्रोल के साथ सेट ऑफ मेथड्स होता है। बाय यूजिंग दैट मेथड द रिक्वायर्ड टास्क कैन बी डन ईजिली, मतलब इस मेथड की सहायता से हम आसानी से अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमने अभी देखा कि विंडोज़ एप्लीकेशन क्या है, विंडोज़ फॉर्म क्या है, फॉर्म के साथ कौन कौन से कंट्रोल्स हो सकते हैं, कंट्रोल के साथ प्रॉपर्टीज, मेथड और इवेंट्स एसोसिएटेड रहते हैं। अब हम देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो में हम विंडोज़ एप्लीकेशन क्रिएट कैसे करें। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो में विंडोज़ एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको विजुअल स्टूडियो में जाना होगा। हम विजुअल स्टूडियो में गए। विजुअल स्टूडियो में जाने के बाद सबसे पहले फाइल मेनू में जाइए। फाइल मेनू में जाने के बाद न्यू में क्लिक करिए। न्यू में क्लिक करके आपको क्लिक करना है नए प्रोजेक्ट पे। नए प्रोजेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं एक विंडो ओपन होगा। इस विंडो में पहले हमने कंसोल एप्लीकेशन लिया था। लैंग्वेज विजुअल बेसिक ही होना चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें लैंग्वेज हमेशा विजुअल बेसिक आप सेलेक्ट करिए, और मिडिल साइड पे जो मिडिल विंडो देर है उसमें विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट करिए। विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे फिर आपसे वो नाम पूछेगा, आप वो नाम यहाँ पे मेंशन करें, लोकेशन मेंशन करें, सॉल्यूशन का नाम भी वही रहेगा जो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन का नाम सेलेक्ट किया है। तो अब हम वो काम करते हैं, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन को हमने सेलेक्ट किया, ये विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट कर लिया है। और विंडोज़ एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ओके पे क्लिक कर रहे हैं। एप्लीकेशन का नाम देने के बाद जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारा एक विंडो ओपन होगा। उस विंडो में एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म लोड हो जाएगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नया एप्लीकेशन क्रिएट करते ही आपको मिल जाता है। तो ये इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमें एक फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म यहाँ पे मिला हुआ है। अब इसके राइट साइड में देखिए, सबसे पहले इस विंडो के राइट साइड में अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ देखिए हमें दिख रहा है विंडोज़ एप्लीकेशन 2। ये हमारे सॉल्यूशन का नाम है जो हमने क्रिएट किया है। माई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है, और फॉर्म 1.vb जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म इसके साथ लोड हुआ है वो ये फॉर्म है। इस फॉर्म के साथ यहाँ पे इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के जस्ट नीचे हम देख सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी विंडो है। ये प्रॉपर्टी विंडो आपको फॉर्म किसी भी कंट्रोल की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। चलिए देखते हैं फॉर्म की प्रॉपर्टी के बारे में। हमने फॉर्म को सेलेक्ट किया। फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद हम प्रॉपर्टीज़ विंडो में गए। प्रॉपर्टीज़ विंडो में देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही हैं। जैसे कि नेम दिख रहा है, फॉर्म का नेम क्या होगा, एक्सेप्ट बटन है, एक्सेसिबल डिस्क्रिप्शन है, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रहे हैं। अब इस प्रॉपर्टी के बाद आप ये वाले साइन को देखिए। ये वाला साइन शो करता है कि ये इसमें कौन कौन से इवेंट हैं। अब चलिए इसके इवेंट को देखते हैं। इवेंट पे जैसे हम क्लिक करें तो देखिए फॉर्म लोड इवेंट दिख रहा है, लोकेशन चेंज इवेंट दिख रहा है, मैक्सिमाइज बटन चेंज पे दिख रहा है, मैक्सिमाइज साइज चेंज पे दिख रहा है, फिर MDI चाइल्ड एक्टिवेट पे दिख रहा है, मिनिमम साइज चेंज, ये बहुत सारे इवेंट है वो तब फायर होंगे जैसे माउस क्लिक एक इवेंट है,
जब फॉर्म पे आप क्लिक करते हो तो क्या इवेंट फायर होगा आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। माउस डबल क्लिक इवेंट है, माउस डाउन इवेंट है, माउस ओवर इवेंट है, माउस लीव इवेंट है, इस तरीके से बहुत सारे इवेंट एक कंट्रोल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक बाई डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म इसके साथ लोड हो गया है। इस फॉर्म के साथ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमने देखा कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, साथ में हमने प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ में देखा कि प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ में हम क्या क्या इस पर प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब आप व्यू ऑप्शन में जाइए, व्यू ऑप्शन में जाने के बाद टूल बॉक्स पर क्लिक करिए। जैसे ही आप टूल बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर बहुत सारे टूल बॉक्स दिख रहे होंगे। इस टूल बॉक्स में बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, उस कंट्रोल को यूज़ करके आपको अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। तो हमने पहले ही कहा था जब हमने विंडोज़ एप्लीकेशन पढ़ा था कि विंडोज़ एप्लीकेशन में फॉर्म एक बेसिक एंटिटी, इसलिए फॉर्म सबसे पहले आ गया। उस बेसिक एंटिटी आने के बाद उसमें जो भी कंट्रोल आपको चाहिए उस कंट्रोल को आप प्लेस करके अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंट्रोल हमको दिख रहे हैं, बटन कंट्रोल है, चेक बॉक्स है, चेक लिस्ट बॉक्स है, कलर डायलॉग है, कम्बो बॉक्स है, ऐसे बहुत सारे कंट्रोल हमको दिख रहे हैं। चलिए एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि हम इसके प्रोग्राम को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक लेबल लिया, लेबल को पकड़ के ड्रैग ड्रॉप करिए, ये होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हमको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि हमने लेबल को लेफ्ट टूल बॉक्स से सेलेक्ट किया और उसको ड्रैग कर दिया फॉर्म वन के अंदर। तो फॉर्म वन एक कंटेनर है जिसमें हम एक्सेस कर रहे हैं। अब लेबल वन के हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में गए और टेक्स्ट ऑप्शन में जाने के बाद हमने इसको नाम दिया एंटर फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया है एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब एंटर फर्स्ट वैल्यू देने के बाद मैं फिर से एक लेबल ले रहा हूँ, उस लेबल में यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ लेबल टू। इस लेबल टू का नाम दे देते हैं, ये हो गया एंटर सेकंड वैल्यू। यहाँ पे मैंने एंटर सेकंड वैल्यू करके एक दूसरा लेबल लिया है। तीसरा लेबल एक और ले लेता हूँ ताकि आपको आउटपुट बहुत ही अच्छे से क्लियर रहे। एक लेबल और ले लिया यहाँ पे जो ये शो करेगा कि रिजल्ट क्या है। बेसिकली हम करना चाहते हैं दो नंबर इनपुट करेंगे उसके एडिशन को हम शो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया रिजल्ट, एक तीसरा ले लिया। अब इसके बाद मैं टेक्स्ट बॉक्स लेने जा रहा हूँ। यहाँ से हम आते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स को आप सेलेक्ट करिए और यहाँ ला के आप ड्रैग कर दीजिए। फिर मैं एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। फिर तीसरा टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ जिसको मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स को वन को मैंने सेलेक्ट किया, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स वन, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स वन। दूसरा टेक्स्ट, अब इसमें बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज़ हमको दिख रहे हैं, जितने भी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स वन हो गया, फिर ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स टू हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स थ्री हो गया। फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ एक बटन, यहाँ पे हम जाते हैं और सबसे पहले हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं बटन, और इस बटन में हम नाम दे देते हैं बटन वन है। बटन वन का नाम हम दे देते हैं, जो कैप्शन है टेक्स्ट प्रॉपर्टी उसको हम दे देते हैं ऐड। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया है ऐड। हम अब जहाँ चाहें इसको हम सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर लीजिए। अब ऐड को हम डबल क्लिक करते हैं। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे हम इसके फॉर्म वन के हम कोड व्यू में चले जाएंगे। कोड व्यू में हम जैसे जाते हैं वहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं। देखिए फॉर्म वन का डिज़ाइन व्यू है, फॉर्म वन का कोड व्यू है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, यहाँ देखिए प्राइवेट सब बटन वन के क्लिक पे, जो क्लिक इवेंट है उस पे हम कुछ लिखने जा रहे हैं। सब ये प्रोसीजर है, तो इसके प्रोसीजर पे हम एक लिखने जा रहे हैं कि हम क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे बटन वन के क्लिक पे। बटन वन के क्लिक पे मैं करना चाहता हूँ जो टेक्स्ट बॉक्स थ्री है उसके टेक्स्ट में मैं ऐड करना चाहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स वन में जो डाटा है। ये हमने पहले सीन का यूज़ हमने पहले भी किया है, और टेक्स्ट बॉक्स टू के टेक्स्ट में जो डाटा है उसको मैं दोनों को ऐड करूँगा, और ऐड करने के बाद उसको टेक्स्ट थ्री में उसको स्टोर करूँगा। फिर से डिज़ाइन व्यू में आते हैं, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था और उसको हम स्टोर कर देते हैं टेक्स्ट थ्री में। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने के साथ ही हम देखेंगे कि ये जो फॉर्म वन डिज़ाइन हुआ था वो फॉर्म वन रन करेगा और आपसे पूछ रहा है कि
इसकी फर्स्ट वैल्यू इसकी क्या होगी। मान लीजिए मैंने फर्स्ट वैल्यू दिया 10, सेकंड वैल्यू दिया है 20, और 20 देने के बाद मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो ऐड करने पे आपके रिजल्ट में आ रहा है 30। तो यही हमारा प्रोग्राम था। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को विंडोज एप्लीकेशन में हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर लेवल हर कंट्रोल के साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एसोसिएट होते हैं। जैसे आप चाहते हैं बटन की कुछ प्रॉपर्टी चेंज करना, बटन के साइज़ को चेंज करना, टेक्स्ट को चेंज करना, और उसमें जो कलर्स वगैरह है कुछ वो सेट करना। जैसे 4 कलर कंट्रोल, टेक्स्ट का कलर ब्लैक में दिख रहा है, आप उसको कुछ दूसरा कलर चाहते हो तो आप दूसरा कलर कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, जैसे ये बैकग्राउंड इमेज बैक कलर का कुछ ऑप्शन दिख रहा है कंट्रोल का, तो आप जो चाहे आप उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने चेंज किया, ये हम फॉर्म कंट्रोल में आ गए। फॉर्म के बैक कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसको इसमें जो चाहे आप उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कलर को चेंज कर दिया है, तो इस तरीके से सारे प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं विंडोज़ एप्लीकेशन में, जिस पे आप इफेक्टिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जैसे फिर से मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है, रन करने के बाद हम ऐड पे क्लिक करें तो बिल्कुल वही आपको आउटपुट मिलने वाला है। तो हमने अभी ये देखा कि विंडोज़ एप्लीकेशन क्या होता है, विंडोज़ फॉर्म क्या है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ क्या है, टूल बॉक्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को विंडोज़ एप्लीकेशन में डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज़ के इवेंट्स मतलब जितने भी कंट्रोल्स हैं उसके प्रॉपर्टी के बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक दिखाया है। इस सारे कंट्रोल के बारे में आप यूनिट 4 में आप बहुत अच्छे से फिर से पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि विजुअल स्टूडियो आईडी का यूज़ करके आप कैसे विंडोज़ एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि आपको कोई भी कोड याद नहीं करना है, कोई भी कोड आप लीजिए उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज इवेंट सब बाय डिफॉल्ट आपको आईडी आपको प्रोवाइड कर देता है, सिर्फ उसको ड्रैग ड्रॉप करिए और उसको यूज़ करिए। तो अभी इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हमने विंडोज़ एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया, किस तरीके से हम उसको एक्सेस करने वाले हैं। तो ये हो गया विंडोज़ एप्लीकेशन, विंडोज़ फॉर्म, उससे रिलेटेड इवेंट्स, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।